আমি আপোনাক জনায় আছো যে আজি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে ঘোষণা করব দেশের চারি মহাকাশচারীর নাম। মহাকাশচারী কঢ়িয়াই নিয়া দেশের প্রথমটো মহাকাশ অভিযান গগনযানের চারিগুলি টেস্ট পাইলটের নাম ঘোষণা করেছে। গ্রুপ ক্যাপ্টেন অঙ্গদ প্রতাপ, উইং কমান্ডার শুভাংশু শুক্লা, থ্যাংক ইউ স্যার ফর ডুইং দি অনার্স। I request the astronauts to kindly occupy their seats off the dais. I deem it an honor and pleasure to humbly request Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji to address the audience. Kerala ke Rajpal Sri Arif Muhammad Khan, Mukhyamantri Sriman Pinarayi Vijayan ji, Rajya Mantri mere saath श्री वी मुरलीधरन जी, इसरो परिवार के सभी सदस्यगण नमस्कार। साथियों के सम्मान में हम सब स्टैंडिंग ओवेशन दे करके तालियों से उनको सम्मानित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। हर राष्ट्र की विकास यात्रा में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों को भी परिभाषित करते हैं। आज भारत के लिए ये ऐसा ही क्षण है। हमारी आज की जनरेशन बहुत सौभाग्यशाली है जिसको जल थल नभ और अंतरिक्ष में ऐतिहासिक कामों का यश मिल रहा है। कुछ समय पहले मैंने अयोध्या में कहा था कि ये नए काल चक्र की शुरुआत है। इस नए काल क्षेत्र में ग्लोबल ऑर्डर में भारत अपना स्पेस लगातार बड़ा बना रहा है और ये हमारे स्पेस प्रोग्राम में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। साथियों, पिछले वर्ष भारत वो पहला देश बना जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा फहराया। आज शिव शक्ति पॉइंट पूरी दुनिया को भारत के सामर्थ्य से परिचित करा रहा है। अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में हम सभी
एक और ऐतिहासिक सफर के साक्षी बन रहे हैं। अब से कुछ देर पहले देश पहली बार अपने चार गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ चार नाम और चार इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली चार शक्तियां हैं। चालीस वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। मुझे खुशी है कि आज इन एस्ट्रोनॉट से मिलने, उनसे बातचीत करने और उन्हें देश के सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं इन साथियों को पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 21वीं सदी के भारत की सफलता में आज आपका नाम भी जुड़ गया है। आप आज के भारत का विश्वास है, आप आज के भारत का शौर्य है, साहस है, अनुशासन है। आप भारत का गौरव बढ़ाने के लिए, अंतरिक्ष में तिरंगा लहराने के लिए पिछले कई वर्षों से दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। आप भारत की उस अमृत पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जो चुनौतियों को चुनौती देने का जज्बा रखती है। आपके कड़े ट्रेनिंग मॉड्यूल में योग का एक बड़ा रोल है। इस मिशन में हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी और इन दोनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। आप ऐसे ही जुटे रहिए, डटे रहिए, देश का आशीर्वाद आपके साथ है, देश की शुभकामनाएं आपके साथ है। आपको ट्रेनिंग देने में जुटे इसरो के गगनयान प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को भी मैं अनेकों शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चिंता भी बताना चाहता हूं और हो सकता है वो बातें कुछ लोगों को कड़वी भी लग जाए। मेरी देश की जनता को और देश के खास करके मीडिया को मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि जो चार साथी हैं उन्होंने लगातार पिछले कुछ वर्षों से तपस्या की है, साधना की है और दुनिया के सामने चेहरा दिखाए बिना की है,
लेकिन अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। अब उनको बहुत कठिन कसौटियों से गुजरना है, उनको अभी और अपने शरीर को मन को कसना है। लेकिन हमारा देश का हम लोगों का जैसा स्वभाव है, अब ये चार सेलिब्रिटी बन चुके हैं। अब वो कहीं जाते होंगे कोई ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ेगा, अब उसको सेल्फी भी चाहिए, फोटो भी चाहिए, ऑटोग्राफ भी चाहिए। अब थोड़ा मीडिया वाले भी डंडा लेके खड़े हो जाएंगे, उनके परिवारजनों के बाल नोच लेंगे, बचपन में क्या करते थे, यहां कैसे गए, टीचर के पास चले जाएंगे, स्कूल में चले जाएंगे। यानी एक ऐसा वातावरण बन जाएगा कि इनके लिए वो साधना का कालखंड में रुकावट आ सकती। और इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि अब रियल स्टोरी शुरू हो रही है। हम जितना उनको सहयोग देंगे, उनके परिवार को सहयोग देंगे, ऐसी कुछ चीजों में न उलझ जाए, उनका ध्यान एक ही रहे, हाथ में तिरंगा है, अंतरिक्ष है, 140 करोड़ देशवासियों का सपना है, वही हम सबका संकल्प है। यही